सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदर हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाजपा सभी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है, जिसमें 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है, बाकी 27 सीटों पर भी भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद सभी लोग भाजपा के साथ हैं, इसलिए सभी जगहों पर भाजपा की ही जीत होगी। वहीं इस संबंध में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के कार्यों की प्रशंसा हो रही है तथा पक्ष व विपक्ष के जितने भी पार्षद और प्रधान हैं सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान किए हैं, जिससे सभी सीटों पर प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, माता जी बहुत सीरियस हो आता है तो उनका पाले बम्बई गए थे सब डॉक्टर से काम ले देखिए ऐसा MLC त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश में मोदी और योगी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पक्ष या विपक्ष के जो भी पंचायत के सदस्य हैं एक तरफा वोट मोदी के पक्ष में योगी के पक्ष में दे रहे हैं और दे करके प्रचंड बहुमत से सभी सदस्यों को 100 में 100% मतदान करके लोग एक तरफा चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। कितनी सीटें निकलेंगी? हमारी सारी की सारी सीटें पूरे प्रदेश में निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी के सब पूर्ण बहुमत की विधान परिषद में सदस्य होंगे। पूज्य महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे विधायक गण लोगों का, MLC का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे MLC चुने जाएंगे और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी के अंतर्गत ही सबको रहना है, योगी जी की सरकार के माहौल में ही उत्तर प्रदेश को आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी सतर्क होना चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करें कि आप लोग भी सतर्क रहें, आपके अगल बगल में किसी को भी मूवमेंट करते हुए देखें, किसी भी लड़के की आपको लगे कि इसके उसके मूवमेंट में शक है, कोई गलत माहौल है और या सोच रहा है या बात कर रहा है या व्हाट्सएप मैसेज कोई घूम रहा है तो आप लोग तुरंत सतर्क होकर बताएं। पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है लेकिन जनता का भी दायित्व बनता है कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश को कश्मीर वाला मूवमेंट बनाना चाहेंगे तो जनता उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रशासन तो टाइट है लेकिन ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी और इसको बड़ा अंजाम देना था, उसको हथियार नहीं मिला, नहीं तो लड़का बहुत बड़ा अंजाम देता। हाँ तो ये देखिए सारी चीजें आप समझ ही रहे ना कि पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी मूवमेंट है, आतंकवादी जितनी भी सरगना है, आतंकवादी जितना भी संगठन है, सबके हिट लिस्ट में महाराज जी के मूवमेंट रहते हैं, महाराज जी का नाम है। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को और हमारी जितनी खुफिया एजेंसी है सब लोगों को बहुत ही अलर्ट होना है। मोदी जी और योगी जी हमेशा हिट लिस्ट में रहें, हम लोगों को उनको अब कैसे संभालना और देखना है वो जरूरी है।